के साथ कर रहे हैं। मथुरा से बड़ी खबर मिल रही है, करोड़ों का चढ़ावा लेकर सेवात फरार हो गया है। 1,09,00,000 रुपए लेकर सेवात फरार बताया गया। बैंक में पैसे जमा करने के बजाय फरार हो गया है। मुकुट मुखारबिंद मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है। ठेकेदार सेवात दिनेश चंद पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गोवर्धन मुकुट मुखारबिंद मंदिर का ये पूरा मामला बताया जा रहा। तो 1 करोड़ से ऊपर की धनराशि लेकर यहाँ पर सेवात जो है फरार हो गया है। कन्हैया इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया काम रुक कर लेते हैं। कन्हैया, क्या जानकारी है पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है? 1,09,00,000 का चढ़ावा लेकर सेवात जो है वो फरार हो चुका है। जी बिल्कुल सत्य, जिस तरीके से गोवर्धन का मुकुट मुखारबिंद मंदिर है, पहले भी पैसे के लेन देन को लेकर, हिसाब किताब को लेकर विवाद में रहा है। ऐसे में क्योंकि गोवर्धन में करोड़ों रुपए का ठेका उठता है और ठेके में जो ठेकेदार सेवायत है वो ठेके बोली लेके कोर्ट में ये ठेका लेते हैं। ऐसे में 1,09,00,000 रुपए जो पैसे थे जो चढ़ावे में मंदिर पर श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए थे, उनको बैंक में जमा कराने की कहकर मंदिर सेवायत जो ठेकेदार था वो बैंक की तरफ गया, लेकिन बैंक में पैसा न जमा कराकर वो अपने साथ पैसा ले गया और फरार है। इस मामले में जो प्रबंधक है उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस लगातार आरोपी के घर पर दबिश दे रही है, लेकिन 1,09,00,000 रुपए से अधिक की धनराशि को लेकर जिस तरीके से ठेकेदार फरार हुआ है उसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले भी मंदिर के पैसे को लेकर कई बार गबन के मामले सामने आ चुके हैं। एसआईटी ने इस मामले में जांच की थी। अब 1,09,00,000 रुपए से अधिक की धनराशि को लेकर जिस तरीके से सेवायत फरार हुआ है तो उसके व्यवस्थाओं पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है जो दान के माध्यम से मंदिर में चढ़ाया जाता है। ऐसे श्रद्धालुओं का जो पैसा भगवान को चढ़ावे के लिए आता है उसको सेवायत पैसा लेकर फरार हो गए। तो फिलहाल पुलिस कई मामले में जांच कर रही है और गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। शुक्रिया आपका कन्हैया तमाम जानकारी देने के लिए।